हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में, और आई होप कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी हमारे प्लेलिस्ट के साथ। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और आपको वहाँ ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी। आपको कैसे जाना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको टाइप करना है कॉमर्सी पाठशाला आपकी आपके यूट्यूब में, आपको हमारे चैनल का नाम दिख जाएगा। आपको चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, जहाँ पे आपको इग्नू एम कॉम एक हेडिंग दिखेगा। आपको उस हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप उस हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएंगी, इग्नू फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की। अब आपको जो भी देखना है, चाहे वो इग्नू IBO 1 से लेकर के IBO 6 तक का हो, या फिर MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक का हो, कोई भी प्लेलिस्ट का आप क्लिक करोगे आपको तकरीबन 20 से 25 वीडियोस, 30 वीडियोस आपको आराम से मिल जाएंगे, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को लेकर के, ARR, जैसा कि आपको दिख गया होगा आपके स्क्रीन पे। और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा जूम इन पहले कर लेता हूँ। यस, ज़ूम इन कर लिया मैंने। अब चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन हमारा है ना कि व्हाट इज एन ARR एंड हाउ इज दिस टू बी कैलकुलेटेड, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है इसका फुल फॉर्म, इसको देख लेते हैं। सो द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आल्सो नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, इज द एवरेज ऑफ द रिटर्न इज द एवरेज ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न फॉर डिफरेंट ईयर्स फॉर द होल लाइफ ऑफ एसेट, है ना। सपोज कोई एक एसेट है जिसको आपने आज खरीदा है और वो 10 सालों तक काम कर रहा है, और वो हर साल जो है अलग अलग आपको रिटर्न दे रहा है। किसी दिन, किसी साल 5%, किसी साल 8%, किसी साल 15%, किसी साल फिर 6%, फिर 7%, फिर 8%। इस तरीके से सपोज वो 10 साल तक चला, वो 10 साल का एसेट था, 10 साल तक आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न पे जो है आपको रिटर्न मिला है। लेकिन जब आप एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे, है ना, या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे, तो आप सबका एवरेज करोगे, जो भी रिटर्न आपको मिला है उसको आप ऐड करोगे और 10 से डिवाइड कर दोगे, जो आपका एवरेज आएगा वो आपका ARR निकलेगा, है ना। तो इस तरीके से निकालना है इट, और इसको हम कहेंगे इट इज अ रेशियो बिटवीन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट। अब ये जो है रेशियो होता है जो नेट प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स निकलेगा, है ना, ARR में जो भी आप जब कैलकुलेशन करोगे, जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा टैक्स पे करने के बाद, है ना, आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा उसका आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा था तो आपने कितने पैसे अपने बिजनेस में लगाए थे, राइट, इसके साथ आप कंपेयर करके आप एक रेशियो तैयार करोगे। सो ARR इज इक्वल टू एवरेज PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। PAT का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्लैश इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्लैश मतलब डिवाइड, ओके, इससे आपका रेशियो जो है निकल जाएगा। अनदर व्यू अबाउट ARR इज द सिंस वी टेक एवरेज ऑफ द PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फॉर कैलकुलेटिंग ARR, वी शुड ऑल्सो यूज एवरेज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। अब ये बात यहाँ पे बोली जाती है कि जब आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जब आप बना रहे हो तो फिर आप PAT कर रहे हो ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल रहे हो, तो उसी तरीके से जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हो, निश्चित जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इनिशियली आपने सपोज 5 लाख लगाए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपने 5 ही लाख लगाए, बाद में आपने और लगाए होंगे, तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहा है, ओके, तो उसको उसका भी आपको जो है एवरेज निकालना चाहिए, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। वी शुड ऑल्सो यूज एवरेज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोजेक्ट, राइट। इन सच अ सिचुएशन द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग ARR शुड बी मॉडिफाइड एज फॉलोज। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो नया कैलकुलेशन होगा, जो नया इक्वेशन होगा, वो होगा ARR इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये तो बहुत ही सिंपल सा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा रहा है, है ना। सो एक्सेप्टेंस एंड रैंकिंग रूल, व्हेन वी अडॉप्ट ARR एज द डिसीजन क्राइटेरिया, देन द एक्सेप्टेंस रूल इज दैट द कैलकुलेटेड ARR शुड बी ग्रेटर देन सम स्पेसिफाइड रेट। एक स्पेसिफाइड रेट होगा, उससे ज्यादा होना चाहिए। जब भी आप ARR अडॉप्ट कर रहे हो एज योर डिसीजन क्राइटेरिया,
तो उस टाइम पे जो एक्सेप्टेंस रूल है वो ये कहता है कि आपका जो एआरआर होगा वो ज्यादा होगा किसी स्पेसिफाइड रेट के अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से आपका जो है, आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो आपका एआरआर है वो ज्यादा होगा। वी विल रिजेक्ट दोस प्रपोजल्स व्हिच हैव एन एआरआर लोअर देन दिस स्पेसिफाइड रेट। अब जो भी स्पेसिफाइड रेट होगी उससे अगर आपका एआरआर कम निकला या फिर नीचे की तरफ आया तो आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वाह क्या राइमिंग बनी है, अच्छा लग रहा है। सो फार एज रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज कंसर्न, अब यहाँ पे देखो रैंकिंग ही की जा रही है ना, आप किसी को, किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, और इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस है एआरआर। आपका एआरआर अगर ज्यादा हुआ किसी स्पेसिफाइड रेट से ज्यादा तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, अगर कम होगा तो रिजेक्ट कर दोगे, है ना। सो फार एज रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज कंसर्न, द प्रोजेक्ट विद अ हाई एआरआर शुड बी रैंक्ड हायर देन द प्रोजेक्ट विच हैज अ लोअर एआरआर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका भी हाई रैंक आएगा उसको ऊपर की तरफ लिखना है, और फिर जिसका लो रैंक आएगा उसको नीचे की तरफ लिखना है, और फिर आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है। डिसाइड ये तो यही करना है कि आपको बस प्रोजेक्ट को लेना है जो भी, जिसका रैंक जो है ऊपर की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे एक्सेप्टेंस और रैंकिंग रूल। अब बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन के बारे में कि किस तरीके से एआरआर को हम इवैल्यूएट करेंगे। सो द एआरआर मेथड इज रिलेटिवली सिंपल मेथड इन्वॉल्विंग द कैलकुलेशन ऑफ एवरेजेस। एआरआर जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पे सिंपली जो है आप एवरेज कैलकुलेट करते हो, और एवरेज कैलकुलेट करना बच्चों का खेल है मैं आपको बता दूं। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इजिली अंडरस्टूड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लाइक ई बी आई टी एंड पी ए टी। आपको पता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एंड पी ए टी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तो सारी जानकारियां जो आपके सवाल में आपको दी हुई रहेंगी, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा उसको कैलकुलेट करने में, है ना। डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, डीटीसी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी थिंग दैट यू नीड टू डू व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग यू नो और इवैल्यूएटिंग एआरआर, राइट। When, however, when it is evaluated for the suitability as an investment criteria for making long-term investment decision, we find it deficient in several respect, है ना? लेकिन हालांकि, however मतलब हालांकि, हालांकि जब भी इसका evaluation जो है, when it is evaluated for the suitability as investment, जब भी इसका you know इसको evaluate किया जाता है कि इसकी जो suitability है वह investment के accordingly कैसी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो हमें ये देखा जाता है कि सेवरल प्रोजेक्ट्स में ये जो है डिफिशियंट होता है, या फिर इसकी इसका जो असर है वो उतना अच्छा नहीं होता। जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे इसके थ्रू, तो आपको जो है निराशा ही हाथ लगेगी कि ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। सो फर्स्टली इट इज इल डिफाइंड, इसको जो अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। वी डू नॉट नो वेदर टू यूज ईबीआईटी और पीएटी, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। दोनों पॉइंट यहाँ पे दे दिए गए, आपको पता नहीं कि कौन सा अप्लाई करना है, राइट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो इक्वेशन थे ऊपर में देखो, तो आपको कौन सा इक्वेशन लेना है, पहला वाला या दूसरा वाला? आप चूंकि डेफिनेशन है ठीक तरीके से नहीं है तो फिर आपको डिसीजन लेने में भी दिक्कत होगी, तो इवैल्यूएशन का जो एआरआर मेथड का जो इवैल्यूएशन होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। थर्डली द एवरेज ऑफ इनकम, तीसरा तरीका होता है कि आपको एवरेज निकालना होता है। अच्छा ये लाइन यहाँ पे छूट गया, ईच वेरिएबल विल ग्रो डिफरेंटली वैल्यू ऑफ एआरआर, सही बात है, हर एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो है एआरआर डिफरेंट होगा। मोर ओवर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ इज नॉट वेरी सर्टेन एंड सब्जेक्ट टू ग्रेटर मैनिपुलेशन। और जो मोर ओवर मतलब और भी जो बात बोली जा रही है वो ये है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको निकल करके आएगी इस मेथड के थ्रू, वो भी बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होगी, ज्यादा सर्टेन नहीं होगी, इसमें कभी भी मैनिपुलेशन हो सकता है, इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी ऊपर नीचे जा सकती है। Thirdly, the average of income whether EBIT or PAT ignores time value of money. आप कोई भी एवरेज इनकम निकालने का तरीका जो है आपका ईबीआईटी या फिर पीएटी, उन दोनों केसेस में जो आप इग्नोर करते हो वो करते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। किसी भी पैसे की एक टाइम वैल्यू होती है, जो पैसा आज आपके पास सपोज 1 लाख रुपए है, उससे जो आप चीजें खरीद पाओगे 10 साल बाद या 15 साल बाद 1 लाख रुपए में आप उतनी चीजें नहीं खरीद पाओगे। इसका मतलब समय के साथ जो है पैसे की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है ना। आप मतलब क्या बोलूं, पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, और पैसे की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि जो पैसे हैं वो आपके कम होते जा रहे हैं, है ना, ये वाइस वर्सा होता है। जैसे कि डॉलर और रुपी का ले लो, जब रुपी की वैल्यू बढ़ेगी तो डॉलर क्या होगा, तो रुपी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रुपी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आपका जो डॉलर है वो इसके अकॉर्डिंगली वीक होता जा रहा है ना। रुपी बढ़ता है 10 पैसा, 15 पैसा, 25 पैसा, ऐसे करके बढ़ता है, राइट। एक डॉलर में सपोज अगर 75 रुपए आपको हो रहे हैं, तो एक डॉलर में अगर आपको 76 रुपए हो गया, इसका मतलब आपका जो रुपी है वो स्ट्रांग हो गया, रुपी जो है ना वो अच्छा वर्क कर रहा है इस तरीके से। माफी चाहूंगा स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। अच्छा तो ये बात होगी, पैट इग्नोर्स, अच्छा ये हो गया। एंड लास्टली द बेंचमार्क रेट, जो बेंचमार्क रेट होता है वो भी एक तरीके इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन ऑफ एआरआर में। अगेंस्ट विच द कैलकुलेटेड एआरआर विल बी कंप्राइज्ड इज आर्बिट्री एंड देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर डिसाइडिंग इट।
ठीक है ना। तो जो बेंचमार्क रेट होता है उसको भी डिफाइन करने का या फिर उसको पता लगाने का कोई साइंटिफिक बेसिस यहाँ पे नहीं है जिसको डिसाइड किया गया हो। राइट, सो दिस इज द टॉपिक, दैट्स इट। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस जो है मिलती रहे। साथ ही साथ इग्नू के अपडेट जो है वो भी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और बेल आइकन दबा दो। राइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो तब तक। और हाँ, प्लेलिस्ट पे विजिट करो, प्लेलिस्ट को देखो, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। डेफिनेटली अगर आप उन सबको अच्छे तरीके से वॉच करोगे, देखोगे, प्लस आप अगर नोट्स हमारे वेबसाइट पे देखोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।